तो चिकन मटन सब फेल है आलू के आगे। ये देखिए दोस्तों, अब इस तरह जरूर बना के खा कर देखिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बिल्कुल पक गया दोस्तों अच्छी तरीके से। दोस्तों आप लोग इसी दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अमरेश पुष्पा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बना रहे हैं आलू दम। तो चलिए दोस्तों आज बनाएंगे कुछ अलग स्टाइल में दोस्तों आलू दम। नमस्कार जी, देखिए दोस्तों हमारा आलू उधर छिल गया है। चलिए दोस्तों हम लोग आज बना रहे हैं आलू दम की सब्जी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया दोस्तों, और डालें दोस्तों तेजपत्ता, और तेजपत्ता जरूर डालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा तेजपत्ता फ्राई हो गया दोस्तों, अब डालेंगे दोस्तों प्याज, और प्याज काट लेंगे दोस्तों जैसे चिकन में बनाते हैं उसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज कुछ अलग तरीका से दोस्तों हम लोग आलू दम बना रहे हैं दोस्तों बिहारी स्टाइल में। दोस्तों हमारा टमाटर कटिंग हो रहा है दोस्तों, इसमें टमाटर डालेंगे दोस्तों, और जब तक हमारा दोस्तों इधर प्याज फ्राई हो रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों हम प्याज अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं फटाफट, और दोस्तों आलू दम खिलाएंगे बिल्कुल बिहारी स्टाइल में दोस्तों गजब का। आपको चिकन मटन सब फ्रेल आएगा दोस्तों, उस तरीके से दोस्तों हम लोग आज बनाएंगे आलू दम। तो चलिए दोस्तों हमारा प्याज फ्राई हो गया दोस्तों, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट डालें दोस्तों, जो पेस्ट है दोस्तों मार्केट से मिल जाएगा दोस्तों, और हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर दोस्तों ये ऐड कर देंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह दोस्तों मिक्स कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा नमक भी ऐड कर दिए हैं, ताकि दोस्तों हमारा जो मसाला है दोस्तों पूरा अच्छी तरह से गल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस मसाला को हम अच्छी तरह से पकाएंगे, और दोस्तों इस तरीके से पकाएंगे ताकि दोस्तों हमारा चिकन मटन बिल्कुल उसी तरीके से लगे दोस्तों खाने आलू का विश्वास। तो चलिए दोस्तों इसको हम कुछ देर तक वेट करते हैं, और दोस्तों मसाला पकाएंगे थोड़ा आंच बिल्कुल मीठा कर लेंगे दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारा मसाला जल ना जाए। ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला बिल्कुल पक गया दोस्तों अच्छी तरीके से। दोस्तों आप लोग इसी तरीके से पका लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारा जो आलू दम है बिल्कुल टेस्ट लाजवाब बने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आलू ऐड करेंगे दोस्तों, और दोस्तों छोटा आलू रहेगा तो तोड़िएगा नहीं, और जैसे बड़ा आलू है तो तोड़ के एक दो आलू तोड़ के ग्रेवी के लिए दोस्तों तोड़ दीजिएगा। हम लोग मीडियम साइज का आलू लिए दोस्तों, इसलिए हम लोग तोड़े नहीं है, इसको साबुत ही रखे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। तो हम थोड़ा ग्रेवी के लिए दोस्तों हल्का आलू तोड़ के रखेंगे दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारा ग्रेवी अच्छा बने दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा आलू दम देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज दोस्तों इसी तरीके से बनाइएगा दोस्तों, चिकन मटन सब फेल है आलू के आगे। ये देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से दोस्तों और आलू दम बनाएंगे ना दोस्तों, तो चिकन मटन सब फेल है गारंटी के साथ कहने दोस्तों। एक बार आप लोग जरूर बना के खा कर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ देर वेट करते हैं, बिल्कुल मीठा आंच करके रखेंगे दोस्तों, और इसको मसाला थोड़ा इसको अच्छी तरह से इसमें पकने देंगे। तो अब थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें दोस्तों ग्रेवी के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दिए दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम कुछ देर वेट करते हैं, इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं दोस्तों।